आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया है कि निम्न के लिए सत्यमान सारणी ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया है पी और क्यू या निषेधन में पी और क्यू इस प्रकार दिया गया है। यहाँ हम सत्यमान सारणी बनाने के लिए यहाँ हम स्तंभों में लिख लेते हैं पी तथा क्यू को हमने लिख लिया। यहाँ पर पी और क्यू हमने लिख लिया तथा इसका निषेधन हमने इसके बाद लिख लिया तथा इन दो स्तंभों के बीच संबंध हम यहाँ पर लिख लेते हैं संयोजक या का उपयोग करके। अब दोस्तों यहाँ से हम एक उदाहरण देख लेते हैं। पी क्यू हमारे पास दिया गया है संयोजक और का यहाँ पर उपयोग किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं पी और क्यू की यदि हम बात करें तो दोनों कथन सत्य होने चाहिए परिणामी कथन सत्य होने के लिए। तो ये दोनों कथन सत्य हो जाएंगे परिणामी कथन सत्य होने के लिए। यदि हमारा एक भी कथन असत्य हुआ तो परिणामी कथन असत्य हो जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं क्यू असत्य है परिणामी कथन असत्य हो गया, पी असत्य परिणामी कथन असत्य, पी क्यू दोनों असत्य परिणामी कथन असत्य हो गए। बात करें यहाँ पर हम संयोजक या की तो यहाँ से दोस्तों हम देख सकते हैं पी यहाँ पर क्या है, पी और क्यू दोनों हमारे पास सत्य है तो परिणामी कथन सत्य आ गया। पी या क्यू की स्थिति में क्या होता है कि पी या फिर क्यू दोनों में से एक भी हमारा सत्य हो जाए तो परिणामी कथन सत्य हो जाता है। तो यहाँ से पी हमारा सत्य परिणामी कथन सत्य, क्यू सत्य परिणामी कथन सत्य, पी क्यू दोनों असत्य तो परिणामी कथन असत्य हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं टी से तात्पर्य क्या है, टी से तात्पर्य कि कथन सत्य अर्थात ट्रू है। एफ से तात्पर्य है कि कथन असत्य अर्थात फॉल्स है। तो यहाँ से इनकी सहायता से हम प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ से पी क्यू दो कथनों के लिए चार स्थितियां हो जाएंगी हमारे पास, सत्य सत्य असत्य असत्य, सत्य असत्य सत्य असत्य, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से दोस्तों हम देख सकते हैं संयोजक या हमारे पास है तो जब संयोजक और हमारे पास है संयोजक और की स्थिति में दोनों कथन सत्य होने चाहिए परिणामी कथन सत्य होने के लिए। यह दोनों कथन सत्य है परिणामी कथन सत्य हो गया। एक भी असत्य हुआ परिणामी कथन असत्य हो जाएगा, क्यू असत्य परिणामी कथन असत्य, पी असत्य परिणामी कथन असत्य, पी क्यू दोनों असत्य परिणामी कथन असत्य हो गया। इसका जब हम निषेधन लिखेंगे तो क्या होगा, दिए हुए कथन का हम निषेधन लिखते हैं तो उसे हम कथन को दिए हुए कथन को नकारते हैं अर्थात उसे असत्य बताते हैं। जब यह कथन सत्य है तब निषेधन उसका क्या बोलेगा कि असत्य हो जाएगा। यदि कथन असत्य है तो निषेधन करने पर सत्य प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि इन दो स्तंभों के बीच हम संबंध देखेंगे, संयोजक चिन्ह या का यहाँ पर उपयोग किया गया है। बात करें यदि या की यहाँ पर तो दोस्तों हमारा एक भी कथन हमारा यदि सत्य हो गया परिणामी कथन सत्य हो जाएगा। यहाँ पर यह सत्य हो गया परिणामी कथन सत्य, यह सत्य परिणामी कथन सत्य, यह सत्य हो गया परिणामी कथन सत्य, यहाँ यह सत्य हो गया परिणामी कथन सत्य। यहाँ पे हम देख सकते हैं सत्यमान सारणी ज्ञात कर ली है। उम्मीद है आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।